राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है, आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। हमारे रघुनाथ जी कहाँ चले गए? तो भैया अपने समय को सार्थक करने के लिए हम लोग यहाँ विराजित हैं, हमारे बड़े भक्तों की सन्निधि में, पूज्य काका की सन्निधि में। और अनुभव वरिष्ठ गिरधर प्रभु की सन्निधि में ये लोग अनुभूत व्यक्ति हैं सारे। सभी को अनुभूति है हमारे गौरांग प्रभु की सन्निधि, शाश्वत प्रभु की सन्निधि, हमारे सखा अध्यक्ष पूज्य गोपेश प्रभु की सन्निधि भी है हमारे साथ या नहीं है? अच्छा, भाव में आशीर्वाद है, चलो भाव में उपस्थिति उनकी स्वीकार करते हैं। पहले पूज्य बाबा का एक विचार। बाबा कहते हैं, भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। भगवान के, अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाएं महाराज, जिनके कमर में दर्द नहीं है वह आगे आगे आ जाएं। पूज्य मामा जी कहा करते थे, यहाँ आगे बढ़ने का समय, लोग पीछे हट रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाओ। आ जाओ गौरंग गुरु, वहीं बैठ गए व्हील के, आ जाओ आ जाओ। तो भैया भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। पतित पावन प्रभु भी हैं क्या आज? किधर दिख नहीं रहे मुझे। हरि बोल। आगे आ जाइए महाराज, आप तो आ जाओ। पतित पावन जी आगे आ जाओ, बुला के छोड़ूंगा मैं। और आगे आओ, और आगे आ जाओ। नहीं वहाँ स्टेज पे तो आगे रहते हो हमेशा, वहाँ पे तो सदा आगे ही मिलोगे, क्योंकि पूज्य भैया के निज परिकर हो। तो पतित पावन प्रभु, भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए, ऐसा पूज्य राधा बाबा कहते हैं। देखो, अन्य साधनों का विरोध नहीं है, सब करें, अच्छी तरह करें, पर आश्रय नाम का पकड़ें। देखना महाराज, बहुत सुंदर बात है, बाबा के जो शब्द है ना, बहुत आस्तिकता के आधारशिला, प्रेम सत्संग सुधा माला, ऐसी पुस्तकें जो साधक को जगा देती हैं, अच्छे खासे सोए हुए निद्रा में सोए हुए साधक को ये पुस्तकें जगाती हैं। अन्य साधनों का विरोध नहीं है, सब करें, अच्छी तरह करें, पर आश्रय नाम का पकड़ें। जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़े रहता है और कहता है कि हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, सब चीज़ें खोजता है, बाप भाई बहन सबको चाहता है, परंतु माँ का आंचल कभी नहीं छोड़ता। उसे इस बात का भरोसा है कि माँ
उससे स्नेह सदैव रखती है। वैसे ही नाम का आश्रय पकड़ लें और इसके बाद सब काम करें, इसके बाद सब करें, ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। सभी साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है, पर अंतिम समय तक सदाचार नहीं सधा तो भाई सदाचारी व्यक्ति नहीं बन पाए हम तो क्या करोगे। अगला कहा बाबा ने, मन वश में नहीं होता बहुत ठीक, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो क्या साधन ही नहीं करना है। मन में ही आता है ना कि मन वश में नहीं हो रहा, हम भजन नहीं कर पा रहे। मन अंत तक वश में नहीं हुआ तो क्या भजन नहीं करेंगे क्या। बाबा ने कहा जीभ से नाम जपते रहो, कुछ भी वश में हो या ना हो, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो। अच्छा, कोई कहते हैं दैवी संपदा के गुण आने चाहिए, गुण नहीं आ रहे हैं तो आप साधक नहीं। अगर अंत तक नहीं आए तो, बाबा कहते हैं कि अगर ये दैवी गुण अंत तक नहीं आ पाए तो बहुत ठीक, मरते समय तक अगर ये दैवी गुण नहीं आ सके तो क्या करोगे। ध्यान होना उत्तम बात है, पर अंत तक आपसे ध्यान भी नहीं हुआ तो। ऐसे ही सब साधनों की बात है, परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। और सब साधनों में भाव की जरूरत है, पर भगवान के नाम में भाव की भी आवश्यकता नहीं है। आइए रघुनाथ जी महाराज बाबा कह रहे हैं कि अंत समय तक अगर हमारा मन वश में नहीं हुआ तो क्या करोगे, अंत समय तक अगर ध्यान नहीं हुआ तो क्या करोगे, अगर हमारे दैवी संपदा के गुण हमारे अंदर नहीं आ पाए तो क्या करोगे, सदाचार नहीं आ पाया तो क्या करोगे, सारी चीजें नहीं आ पाए तो क्या करोगे। तो भैया सीधा सीधा नाम जपो, नाम में किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल जीभ से नाम जप। और सब साधनों में भाव होगा तो काम होगा, पर नाम बिना भाव के ही हमारा काम कर देगा। हम कलयुगी प्राणी हैं मित्रों, हमारी बच्चे जैसी हालत है, दिन रात गंदगी में लिपटे हुए हैं। यदि बच्चा अपना मैला धोता रहे तो वह धोते धोते मर जाएगा, उसका मैला तो माँ ही धो सकती है। इसी तरह नाम हमारा निस्तार करेगा, और सब साधनों में तो हमें उठना है, और सब साधनों में तो हमें उठना पड़ता है, पर नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है, नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है। यह कितना अंतर है, दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से सब काम कर देगा। मन से न हो, भाव से न हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम लें, सकाम निष्काम कैसे भी करें, आदत डाल लो नाम लेने की, जंभाई लेते हुए, चलते फिरते, छींकते आदि, सब समय सब क्रियाओं में जिस प्रकार हो जीभ से नाम लेते रहना चाहिए। माता देवहूति ने कहा है श्रीमद् भागवतम में, यहाँ पर स्वपच का अर्थ मामूली चांडाल नहीं, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल कहा है भागवतम में। अगर वह भी उसकी जीभ पर भी नाम रहने की बात कही है, अगर उसकी जीभ पर भी नाम रहता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। मन से लेने की नहीं, इसी प्रकार जीभ से नाम लेने वाला भी श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है, और एक ही बात है, और वह है नाम का आश्रय, और वह है भगवान के नाम का आश्रय। भरोसो जाहि दूसरों सो करो, हैं मेरे तो माए बाप दो आखर, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे तो माए बाप दो आखर, रा और मां, रा और मां। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है, बड़े बड़े साधनों की बात भले ही कर लो, सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं वे प्रायः दोनों तरफ से जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन सदा नहीं, भैया दूसरा साधन सदा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में एक मात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है,
लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी न हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख होना चाहिए। अनुभव होना और भविष्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए अब दोबारा भूल नहीं होगी, प्रभु आज छूट गया, अब आगे से मैं भूल नहीं करूँगा, ये सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा सत्य संकल्प करना यह सबसे उत्तम प्रायश्चित है। चिंता करना छोड़ दें, मन नहीं लगता मन को छोड़ दें, मन नहीं लगता मन को छोड़ दें, यह नहीं होता वह नहीं होता सब छोड़ दें, यह नहीं होता वह नहीं होता चिंता रहती ना, बाबा कहते नाम होता है ना, बाबा कह रहे नाम होता है ना, बस काम हो गया। दिन भर में एक बार भी नाम तो निकल ही जाता है, फिर विश्वास कर लें यह एक नाम हमारा उद्धार करेगा, फिर विश्वास कर लें यह एक नाम हमारा उद्धार करेगा। इसका कहने का तात्पर्य बाबा किसी को प्रमादी बनाने के विषय में नहीं कह रहे हैं कि वो एक ही नाम ले, बाबा कह रहे हैं नहीं ले पा रहा हो तो भी एक नाम ले लेता होगा, ज़्यादा कम से कम एक नाम तो ले सकता है, ये एक नाम भी हमारा उद्धार कर देगा, ऐसी बाबा ने बात कही है महाराज नाम जप के विषय में। एक चोपड़ा जी थे, गीता वाटिका में पट खुल रहे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे हम? चोपड़ा जी गीता वाटिका में थे, और निरंतर भाई जी से प्रार्थना करते थे, निरंतर भाई जी से प्रार्थना करते थे, भाई जी मुझे कुछ काम बता दो, मुझे कोई सेवा बता दो, क्योंकि वो देखते थे निरंतर भैया वहाँ पे सेवा वाले रहते थे। कई सेवक तो ऐसे थे भाई जी अगर रात को बोल देते कि 2 बजे जाओ स्टेशन से, उनको लेकर भगते जाते थे तुरंत तुरंत, कोई आलस्य कोई प्रमाद नहीं। हमने मिश्र जी के बारे में सुना है, दर्शन भी किए महाराज, पूरा जीवन बाबा की सेवा में रहे, और हमने दर्शन भी करे उनके, बात भी करी है उनसे। 8 बजे सुबह रेलवे के कार्यालय में जाते चले गए भैया, ये हार्ट उठती जा रही है धीरे 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 धीरे। हमने हरिवल्लभ दादा के दर्शन करे, श्री राम दादा के दर्शन करे, बाबूसा के दर्शन करे, पप्पू भैया, मिश्र जी, भगत जी, नारायण दादा, आज ही सुना मैंने नारायण दादा को, ताजा ताजा। देखो भैया एक से एक हैं, जयराम दादा रहते हैं, देखो तो हैं अभी, उनके दर्शन करें हमने, और कोई पहचान नहीं सकता, 3 लाख नाम जप करते हैं प्रतिदिन, कोई पहचान, सब लख टकियाँ हैं यहाँ, इतनी छोटी सी माला वो वाइट कलर की वो यूं हाथ में फंसी रहती है, 3 लाख नाम जप करने वाले सिद्ध हैं सारे के सारे, पर जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा भैया ये नाम भी जपते हैं क्या ऐसे बात करेंगे
कहते हैं ना पूज्य भैया कि प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं, तो भैया आपके नाम पे मर जाने वाले और होते हैं, तो भैया वो और ही होते हैं, मैं नहीं होता। हर साधक को ऐसा सोचना चाहिए, कहलाते हैं उनके पर उन जैसे बन नहीं पाए। तो भैया वो कहते हैं, क्या नाम है मिसिर जी, सुबह 8 बजे जाते थे कार्यालय में अपने रेलवे का काम देखने, शाम को 6 बजे आते थे सीधा वाटिका में जाते थे, जाते और बाबा की सेवा में लग जाते। बाबा का सारा जो सेवा होती थी पास में रह करके करवाते थे सारा काम। रात्रि के दो बज जाते थे और सुबह चार बजे फिर आ जाते थे मिश्र जी। 2 बजे जाते, 4 बजे फिर आ जाते, फिर सेवा करके 8 बजे अपने कार्यालय, वहाँ रेलवे की नौकरी जो करते थे वहाँ जाते थे। ऐसा उनका शेड्यूल था। अच्छा क्या होता है, इन जो महापुरुष होते हैं ना महाराज, इनको नींद नहीं आती, नींद आती ही नहीं। मैंने अभी उषा जी का चरित्र पढ़ रहा हूँ, उन्हें नींद नहीं आती काका, निरंतर पूरा दिन तो अध्यापिका का कार्य उनका रहता था, प्रधानाचार्य थी वो उसमें, और क्या नाम है उसके बाद अपना शाम को कीर्तन भजन, और फिर भी रात्रि भर ऐसे ही कभी भगवत गीता की कक्षा ले रही हैं, किन्हीं को समझा रही हैं श्लोकों के बारे में, नींद ही नहीं लेती थी। एक दिन पिताजी उन्हें डांटने लगे, पिताजी ने डांट दिया। वैसे पिताजी डांटते नहीं थे उनके, क्योंकि मित्रवत व्यवहार था बाप और बेटी का, मित्रवत व्यवहार था आपस में। उनके पिताजी कहा करते थे, बेटी अकेले वृंदावन मत जाना, जब भी जाना मुझे लेकर जाना, और मैं मर जाऊं तब तू बेशक चले जाना, ऐसे कहा करते थे, तब तू बेशक चले जाना। और ये आड़ हमेशा रही उनके जीवन में। पूजा दीदी कहते हैं कि जब भी मैं वृंदावन जाने की सोचती, हमेशा ये बात बीच में आ जाती कि पिताजी ने कहा हुआ मुझसे, और वो बचपन में ही बालपन में ही कसम ले ली थी, कहती वो कसम हमेशा आड़े आई मेरे। एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटी तू ऐसा कर, 2 दिन के लिए वृंदावन चली जा और फिर वापस आ जाना। तो उन्होंने, उषा दीदी लिखती हैं, कहते कि 2 दिन के लिए वृंदावन चली जाइए तो बहुत अच्छा लगा, पर वापस आ जाना ये बहुत बुरा लगा। और कहने लगे कि पिताजी मैं चली गई तो वापस नहीं आऊँगी। एक बहुत सुंदर पद था जो पूज्य मल्लुकपीट सरकार और सामने वो बैठ के गा, गोविंद भार्गव जी गा रहे थे, याद है, हमने डाउनलोड किया था, फिर वो डिलीट हो गया यूट्यूब से। हाँ, श्री चरणन में हमको रहना, उसमें एक पद गाया था बहुत सुंदर उन्होंने कि एक बार वृंदावन गया तो फिर वापस नहीं आऊँगा। तो महाराज उषा दीदी का ऐसा था, नींद नहीं लेती थी, और एक दिन पिताजी ने डांट दिया, वो कहा कि तुम सोती नहीं हो बिल्कुल भी, ये बहुत ख़राब बात है, शरीर स्वास्थ्य लाभ, शरीर कैसे चलेगा तुम्हें, तुम्हारा पूरा जीवन है, भजन करना है, तो ऐसे खूब सारी बातें हुई। उसके बाद क्या हुआ, कीर्तन होने लगा। कीर्तन में क्या हुआ, भगवान ने उनके पिताजी से कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, इसकी नींद की चिंता मत किया करो, ये मेरा स्मरण करती है ना, इसी से इसके शरीर को पोषण मिल जाता है, तुम इसे कुछ मत कहा करो। और इतनी बात ठाकुर जी ने उनके पिताजी से बोली, और उनके पिताजी उषा जी के सामने आके नेत्रों से आंसू जो बहे, कहा बेटी तू धन्य है, ठाकुर जी तेरे लिए बोलते हैं, ठाकुर जी तेरे लिए बोलते हैं। अभी मैं रघुनाथ जी को बता रहा था, इतना प्रेम ठाकुर जी का था उनसे, इतनी आसक्ति थी, और श्री जी की इतनी कृपा थी उनके ऊपर, अथाह कृपा, जितनी लीलाएं उन्होंने देखी, मेरे हिसाब से श्री जी हाथ पकड़ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाते थे एक बार तो क्या हुआ, ठाकुर जी के पट बंद हो गए, वही मंदिर था कोई, पट बंद हुए ना, तो उषा दीदी मंदिर के बाहर मतलब जाके देखा तो पट बंद हो गए, और वहीं बैठ गई, उनको तो भगवान के चिंतन से मतलब था, पट बंद हो चकुले। ठाकुर जी भीतर से आए बाहर पट बंद होते हुए भी, और गोद में उठाकर भीतर ले गए,
और ठाकुर जी खड़े रहे और उषा दीदी कहने लगी, मैं उनके चरणों से लिपट कर रोने लगी कि प्रभु कितना प्रेम करते हैं। बैठे बैठे उनकी कीर्तन होता था, कीर्तन करते करते जब थक जाती थी, उनका स्वभाव था कीर्तन करने के बाद थोड़ी देर लेट जाती थी, लेटना क्या सोना नहीं होता था, वो प्रिया प्रीतम की लीलाओं के चिंतन में चली जाती थी, पूज्य दादा को प्रणाम। तो ऐसा उनका स्वभाव था, लीला चिंतन करने लग जाती। एक बार तो चिंतन किया कि अपने आप को एक वन में पाया, वन में श्री जी ठाकुर जी, श्री जी ने अपना सिर उनके सिर पे रख दिया, जैसे लाड में रख देते हैं ना, तो ऐसे रखा। उसके बाद देखा तो कई सखियां आ रही हैं, फिर ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी ने देखा श्री जी ने उषा जी के सिर पे सिर रखा हुआ, तो ठाकुर जी ने भी अपना सिर उनके ऊपर रख दिया और महाराज तीनों आलिंगित हो गए, तीनों ने आपस में एक दूसरे को मतलब बांध लिया भुजपाश में और काफी देर तक ऐसे ही रहे। अच्छा, और जो सखियां थी वो मजाक उड़ाती थी, जितनी सखियां श्री जी की थी वो मजाक इन से वैसा वाला नहीं कि खिल्ली उड़ा रहे हैं किसी की, जैसा मैं करता हूँ स्वभावतः कभी कभी, तो ऐसा वाला मजाक नहीं, वो छेड़छाड़ करती थी उनसे आके कि ठाकुर जी ने गले लगाया तुम्हें, हैं ठाकुर जी ने गले लगाया, और एक ही आसन पर बैठे। और इतने में क्या हुआ, मध्य में ठाकुर जी, फिर इधर वो क्या नाम है पूज्या उषा दीदी, श्री जी इधर, तो थोड़ी देर तो बैठी रही श्री जी फिर उठ करके चली गई। श्री जी ने कहा इन दोनों का एकांत में बात करने दो। और महाराज इतना लाड चाओ, इतना लाड प्रेम मिला है, पर क्यों मिला है, महाराज कीर्तन करते रहते थे, भगवान नाम जप में इतनी वो थी और भगवान के विषय में ही सोचना, यही उनका जीवन था। तो जो हमारे वो मिसिर जी थे, पूरी पूरी रात सेवा देते थे, मैं बता था ना नींद नहीं आती बाबा को, तो ऐसे भैया संतों को नींद कम आती है, कम इसलिए आती है कि भैया वो नींद में अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देते, उन्हें लगता है कि भगवत चिंतन कर लेना चाहिए। तो मिसिर जी जो थे वो रात को एक दिन लेट हो गए, और लेट हुए तो महाराज अंधेरा बहुत होता था, उनके घर तक पहुंचना होता था, उस समय गीता वाटिका के इर्द गिर्द इतना बसावट थी नहीं, तो जब जाने लगे तो भय, भैया 2 बजे रात को अकेले कैसे जाएं, उस दिन लेट भी हो गए थे थोड़े, तो देखा तो एक कुत्ता पीछे पड़ लिया उनके, नहीं कुत्ता आगे आगे चलने लगा, कुत्ता आगे आगे चलने लगा, और वो थोड़े डरे भी कहीं भैया, पर उसने कुछ नहीं कहा, वो आगे आगे चलता रहा। जैसे मिश्र जी का घर आया वो कुत्ता मुड़ा और वापस चला गया, मिश्र जी अपने घर पे चले गए। अब मिश्र जी ये सोचते रह गए भैया ये कुत्ता है कौन। अगले दिन गए और जाकर के बाबा से प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात पूछूं, तो बाबा ने कहा हाँ मिसिर पूछिए, बाबा की तपाक से बोलने की आदत थी, हाँ मिसिर पूछिए, बाबा वो कुत्ता कौन था रात को। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हारी रक्षा करता है। तो मिसिर जी ने कहा बाबा क्या आप थे और कौन होगा। ओ भैया जब मैंने बात पढ़ी मैंने कहा यार देखो संत कहां तक सोचते हैं, घर तक पहुंचाने के लिए कुत्ता बन गए, कैसा अद्भुत प्रेम है, कैसा सानिध्य है इन संतों का। तो बाबूजी से चोपड़ा जी ने कहा बाबूजी कुछ सेवा दे दीजिए, बाबूजी ने कहा भाई माला करा करो, माला करा करो। माला को आजकल लोग हल्के में लेते हैं दादा, माला को हल्के में लेते हैं, माला ही नहीं करते हैं। और कोई बहुत खास सेवक हो तो उसे तो माला के लिए कहना ही बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि सेवादार कहते भाई हम तो गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी की सेवा, भाई सत्संग सुना करो, गुरु जी की सेवा में कौन रहेगा। अरे भाई सेवा और भी हैं, तुम्हारे बिना भी सेवा होती थी, तुम्हारे बिना भी सेवा होती थी, अगर आप ही केवल हो संत के पास तब तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई और मौजूद है तो तपाक से उठ करके अपना संकीर्तन सत्संग अटेंड करना चाहिए।
और सत्संग में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम खुद से स्वाध्याय तो करते नहीं। अब महादेव जी बता रहे थे, कह रहे जब आप ही कर रहे हो तो हमें क्या जरूरत है। बच्चे कहते हैं ऐसा, जब अंगद जी पढ़ ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे स्वाध्याय करके। अब सुनाई भी रहे हो उन्हें उसी को, तुम भी क्या नाम है, अपना अपना होता भाई, अपनी रोटी अपना ही पेट भरती है, मेरी रोटी मेरा पेट भर रही है भाई। अब क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ सत्संग जो सुना, मैं तो बहुत लोभी व्यक्ति हूँ महाराज। भैया एक दंडौती बाबा हुए हैं श्री राधा वल्लभ शरण देव जी, बहुत सिद्ध कोटि के संत, 365 परिक्रमा गिरिराज जी की दंडौती, 365 परिक्रमा बरसाने की दंडौती, 365 परिक्रमा वृंदावन की दंडौती, इसलिए उनका नाम ही दंडौती बाबा बन गया। उनका चरित्र लिखा है अभी किसी संत ने, बहुत विलक्षण चरित्र लिखा है। तो महाराज ऐसे भी दंडौती, जीवन दंडौती में निकाल दिया। और कहा करते थे सत्संग में, मलुपीठ सरकार बता रहे थे, उनका एक खास वाक्य ये था कि भैया भक्त माल से ही भक्ति का रहस्य समझ में आ सकता है, अन्यथा और कोई वस्तु नहीं जो आपको समझा सके। भक्तमाल से ही, भक्तों के चरित्रों से ही आपको भगवान समझ में आएंगे, ऐसी उनकी खास बात थी। एक हरे राम व्यास जी का एक प्रसंग याद आ गया, भगवान कैसे वश में रहते हैं भक्तों के। एक बार हरे राम व्यास जी भगवान की पाग बना रहे थे, पगड़ी बना, कि आए ग्रह त्याग वृंदा वन अनुराग कियो, और महाराज वृंदावन में अनुराग था उनका। अच्छा एक बात हरे राम व्यास जी के चरित्र में आपने सुनो कि भोले बाबा ने वहाँ से भेजा काशी से कि जाओ वृंदावन में वास करो, आप विशाखा सखी के अवतार हो। तो सीधा हरे राम व्यास जी को वृंदावन आना चाहिए था, काका आए नहीं वृंदावन, हरे राम व्यास जी वृंदावन नहीं आए, सीधा ओरछा चले गए, ओरछा गए। अच्छा हमें कोई बोल दे, अभी दादा मुझे बोल दें कि अंगद जी जाओ वृंदावन, अगर मैं गृहस्थी नहीं होता तो मैं तपाक से कहता हाँ दादा जा रहा हूँ, मैं भजन करूँगा वहीं जाकर, और वहाँ फिर भजन नहीं होता, क्योंकि मलुकपीठ सरकार ने आज कहा जब तक हृदय में वृंदावन नहीं होगा तब तक आप वृंदावन में वृंदावन देख ही नहीं पाओगे, जब तक हृदय में वृंदावन नहीं होगा। तो इतने बड़े विशाखा सखी के अवतार और साक्षात भोले बाबा कह रहे हैं कि जाओ वृंदावन भजन करो, तुम्हारी वही गति है। गए नहीं, ओरछा गए पहले, और ओरछा में भी 52 रियासतों के राजगुरु थे, इतना बड़ा उनका पद था, 52 रियासतों के राजगुरु। और जाकर के कह दिया ओरछा नरेश से, मधुकर शाह जी से, अब मुझे केवल भजन करना है, मैं लोक व्यवहार में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और महाराज भजन में लग गए तत्काल, उसी समय मन ही मन कहने लगे पहले मैं यहां ओरछा में रहकर अपने हृदय में वृंदावन प्रकट करूंगा, उसके बाद वृंदावन जाऊंगा। और महाराज वहीं रहकर ऐसा भजन करना शुरू कर दिया, और वृंदा महारानी से नित्य प्रार्थना करते थे कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा। एक दिन वहीं पर एक संत पधारे, मधुकर शाह जी के यहाँ, मधुकर शाह जी बहुत उच्च कोटि के भक्त रहे महाराज, उनके एक संत पधारे मेरे को नवल किशोर जी महाराज, नवल किशोर जी महाराज पधारे और सुबह सुबह पद गा रहे थे, अपना जो सेवा होती है उनकी, कि आज तेरा जत दंपति भोर, प्रिया प्रीतम का वर्णन किया उस पद के अंदर कि सुबह सुबह की कैसी बेला है, कैसा प्रिया प्रीतम का दर्शन है। और उस पद को सुनते ही उसमें हित हरिवंश महापुरुष की छाप थी, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन रसिक का पद है। तब उन्होंने नवल किशोर जी महाराज ने बताया कि भैया वृंदावन में तो इस समय हरित्रेयी हरे राम व्यास जी, हरिदास जी महाराज और हित हरिवंश महाप्रभु जी की धूम मची पड़ी है, तीनों रसिकों की धूम मची पड़ी है, और वहां जाओ आप। तब हरे राम व्यास जी महाराज ने, नहीं हरे राम व्यास जी तो पहुंचे नहीं थे अभी, उस समय हित हरिवंश महाप्रभु और हरिदास जी महाराज थे वहां पर, तो गए और कहने लगे भैया ये तो हित हरिवंश महाप्रभु जी का पद है। वहां पहुंचे तो हित हरिवंश महापुरुष क्या कर रहे थे, प्रसाद बना रहे थे, और प्रसाद बनाते हुए राम व्यास जी पहुंचे, प्रश्न लेकर पहुंचे थे कुछ, पहुंचे तो हितरंज महापुरुष जी ने बात ही नहीं करी, वो अपना चूल्हा चेताते रहे और फटाफट वो प्रसाद वो बना रहे, बात ही ना करें। जब सेवा से निवृत्त हो और जाकर बोले कि हाँ क्या प्रश्न, कह रहे प्रश्न जो था वो था,
पर मेरा अभी दूसरा प्रश्न है कि आप मुझसे एक सेवा करते करते भी तो बात कर सकते थे। तब उन्होंने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी के ही कोने से छुपाए। इस मन ने बहुत ठोर कर रखी है, इसलिए एक बार में मन एक ही काम करता है, या तो भगवान का भजन करेगा। बाबा ने भी यही बात बोली, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो हरि चिंतन होगा या विषय चिंतन होगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हरि चिंतन करते हुए सेवा हो सकती है, लेकिन विषय चिंतन करते हुए हरि स्मरण नहीं हो सकता महाराज। तो क्या हुआ महाराज, हरिराम व्यास जी पहुंचे और हरिराम व्यास जी उसके बाद कभी वृंदावन से गए नहीं, कभी वृंदावन से नहीं गए महाराज। उनके घर वाले लेने आए, घर वाले लेने आए तो भक्ते डोल रहे हैं, कभी गिरिराज जी भग गए, फिर वहां से बरसाना भग गए, फिर वहां से फिर वृंदावन आ गए, घर वाले पीछे पीछे सारे के सारे। राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे और महाराज उस दिन प्रसाद पाया नहीं था, तो पहुंचे तो महाराज एक महतरानी कड़ी पकौड़ी खा रही थी, राधा वल्लभ जी का प्रसाद था। और हरे राम व्यास जी आए, ब्राह्मण तो थे ही। अच्छा, हम सोचते हैं हरे राम व्यास जी इनका व्यास जी गोत्र है पीछे, ऐसा नहीं है, ये शुक्ल थे, सुमोखन शुक्ल शायद इनके पिता का है, पिताजी का नाम था, और ये भी शुक्ल थे। व्यास जी इसलिए पढ़ा कि काशी में इन्होंने विद्वानों को हराया था, तो सब विद्वानों उपाधि दी थी कि ये व्यास हैं, इस समय के व्यास देव हैं साक्षात, इसलिए उनका नाम हरे राम व्यास लग गया था, हरे राम व्यास इन्हें बोला करते थे सब। तो पकौड़ी खा ली इन्होंने उठा करके उस महतरानी की, जो घर वाले थे वो कह रहे हैं भाई यार ब्राह्मण होके झूठी पकौड़ी खा ली, खंडित है वो, अब ना है, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। और महाराज घर वाले वापस मुड़ गए, ओ भैया वो हरिराम व्यास जी तो महतरानी के चरणों में गिर गए, एक पकौड़ी सोचो कुछ छूटे हो, क्या पकौड़ी की महिमा लिखी है, एक पकौड़ी सोचो कुछ छूटे हो। और फिर तो महाराज सदा के लिए वृंदावन, कि अब मैं वृंदावन रस पायो, राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, सुतो हुतो विषय मंदिर में, सुतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु तेर जगायो, हित गुरु तेर जगायो, वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। कहते हैं सूतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, कि भैया विषयों के मंदिर में सो रहा था, हित हरिवंश महापुरुष जी ने मुझे जागृत किया है। तो भैया गुरु ही शिष्य को जगाता है महाराज, और गुरु कौन, जो भगवान के बारे में बता दे, हैं गुरु वही जो हैं, तीन बातें हैं, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और गुरु वही जो संत सेवावे। विपिन बसा दिया पूज्य भैया ने, ये वृंदा विपिन बिहार है महाराज, नारदेन कुंज वृंदा विपिन है, हैं संत सेवावे, संतों की सेवा करना सिखा दिया, और हरि ही मिलावे, भगवान से मिला दिया, तीनों काम हमारे पास है महाराज। तो हित गुरु टेर जगायो, फिर क्या हो गया, जब गुरुदेव ने जगा दिया। अच्छा गुरुदेव से ये नहीं होता, कान में दीक्षा थी वही गुरु है, गुरु वो जो भगवान की बात आपको बता दे। तो हित गुरु टेर जगायो, और फिर व्यास जी के साथ क्या हुआ, कि अब तो व्यास विहार विलोकत, अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो,
शुक नारद मुनि गायो वृंदावन सोहेत कर मन वृंदावन सोहे जहाँ श्री राधा मोहन विहरत जहाँ श्री राधा मोहन विहरत कर कुंजन संकेत कर कुंजन संकेत श्री वृंदावन तज सुख चाहत श्री वृंदावन तज सुख चाहत ते राक्षस ते प्रेत ते राक्षस ते प्रेत वृंदावन सोहेत कर मन वृंदावन सोहेत। तो भैया ऐसे वृंदावन में रहती लगे फिर कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। बहुत प्रयास किया, बहुत से लोगों ने प्रयास किया किसी तरीके से व्यास जी चले जाएं, लेकिन जा नहीं पाए कभी। मधुकर शाह जी भी लेने आए वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु वृक्षों से लिपट लिपट कर रोने लगे, ऐसी स्थिति थी उनकी। तो भैया ये जो प्रेम होता है भगवत प्रेम है ये बड़ी विलक्षण चीज है। निरंतर साधना करते 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 ये ऑटोमेटिकली प्रकट होता है हृदय के अंदर। भगवान जिस पर अहेतु की कृपा करते हैं उसे ये रस मिलता है, उसे ये रस मिलता है। महाराज एक भक्त हुए भक्तमाल के अंदर, अंतर्निष्ठ भक्त, राजा थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो अथाह प्रेम करती थी उनसे, और उनकी जो भक्ति थी वो उच्च कोटि की भक्ता थी। पर राजा जो थे वो छिपे हुए भक्त थे, वो उन्होंने कभी तिलक भी नहीं लगाया, कभी तिलक नहीं लगाया, कभी मंदिर की तरफ जाते ही नहीं थे, अपना राजपाट में व्यस्त रहते। और उनकी जो पत्नी थी वो भैया अपने सारे भ्याउला है ये उत्सव है ये उत्सव सारे मनाती थी और हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी काश ये हमारे ये जो हैं ये भक्ति में लग जाएं। तो मुझे मलुकपीर सरकार कहते हैं हमें दूसरों की चिंता बड़ी होती है कि वो भक्ति में लग जाए फलाना भक्ति में लग जाए। तो महाराज जी कहने लगे ज़्यादा टेंशन मत लो, खुद लग जाओ सब लग जाएंगे, खुद लग जाओ सब लग जाएंगे। तो भैया वो जो थी वो रानी बड़ी चिंता करती थी। तो महाराज जी कहते हैं एक दिन ऐसे ही राजा निद्रा में रात्रि को सो रहा था और रात्रि में सोते सोते गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि उन्हें रात्रि में स्वप्न में रास विहार का दर्शन हुआ राजा को, और रास विहार का दर्शन हुआ और उसमें से ठाकुर जी, वो कहते हैं गोपी गीत में कहते हैं ना कि वो चले जाते हैं उसमें से अप्रकट होते हैं वहां से। तो सभी गोपिकाएं रुदन करती हैं और फिर गोपी गीत गाती हैं कि जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। तो जैसे ही रुदन शुरू होता है तो वहां पर उस समय की चित्कार उस राजा के मुख से निकलती हा बिहारी जू, हा बिहारी जू ऐसे निकलती। महाराज जी कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष अपने गुरुदेव को देखा है इस स्थिति में। अपने गुरुदेव को छोड़कर एक बार क्या हुआ, मलुकपीर सरकार कहते हैं कि रामानंद पुस्तकालय है वहाँ पर, शायद उसमें क्या नाम है अपना मलुकपीठ या सुदामा कुटी में है, तो उसी में महाराज जी का आसन लगता था और छोटे से कमरे के अंदर महाराज जी के चरणों में हम रहा करते थे मलुकपीर सरकार। और जो दरवाज़ा खुलता था ना वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता तो महाराज हमेशा महाराज जी के पैरों पर लगता था। अरे ऐसी थी तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी आप ना क्या नाम है कहीं और आसन लगा लीजिए अपना। तो महाराज जी ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो महाराज मैं सदा आपके ही चरणों में ही रहना चाहता हूँ, ऐसी बात उन्होंने कही।
तो महाराज जी कह रहे थे एक बार और व्यवस्था हुई। एक बार कोई संत थे काशी के, तो काशी के किन्हीं संत ने कहा कि पंडित जी को भेज दीजिए और यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई वगैरह सब कर लेंगे तो अच्छे विद्वान बन जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा, भक्तमाली जी महाराज ने कहा ठीक, पत्र लिख कर भेज दिया, हाँ हम भेज देंगे। तो जैसे ही ये लिख करके भेजा भेज देंगे तो रात्रि में महाराज जी को बताया होगा। तो मलुकपीठ सरकार रोने लगे और इतना रोए। तो महाराज जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रुदन करते हो? तो महाराज जी ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। अरे देखो, यहाँ रहोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे, वहाँ जाओगे तो कुछ विद्वान बन जाओगे, काशी जाओगे पढ़ाई लिखाई करोगे। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, हम किसी काम के नहीं रहना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। कहने लगे, अगले दिन गुरुदेव ने पत्र लिख कर भेज दिया, नहीं आएंगे पंडित जी, यहीं रहेंगे। तो ऐसा प्रेम गुरुदेव करते थे। भैया एक बार और थी कहीं पर, शायद किसी ने कहा, नहीं ठाकुरदास बाबा नहीं, कहीं और जाने की बात थी महाराज जी की। वो भरत भैया आए हैं ना, भरत भैया कहीं शायद कहीं और जाना था, तो महाराज जी ने तय कर लिया था जाने के लिए और पूरी व्यवस्था हो गई थी, सब कुछ सेट था चले जाने के लिए। तब महाराज जी ने कहा कि किन्हीं और, शायद दाऊ जी वाले कोई महाराज जी थे, तो उन्होंने बोला था महाराज जी को कि कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे गुरुदेव के पास सब कुछ है, तुम्हारे गुरुदेव के पास सब कुछ है, कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? तो कहने लगे, हमने झोला वापस रख लिया, हम गए नहीं वहां पर। अरे हमारे गुरुदेव मलुकपीठ सरकार आज कह रहे थे, कहते अगर हम महाराज जी के चरणों में नहीं होते तो ना जाने कहाँ होते, महाराज जी के चरणों में नहीं होते तो ना जाने कहाँ होते, कहाँ विषयों की धारा में बह गए होते। तो भैया गुरुदेव का आश्रय बहुत बड़ा आश्रय होता है। पंडित जी महाराज कहा करते थे स्लेट पर लिख कर रे, अनुगत्य अनुगत्य अनुगत्य, ये सब प्राप्त संत हैं, जैसे अपने पूज्य भैया प्राप्त हैं ना, तो ऐसे ही महाराज इनका आश्रय छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे ना। भैया कभी कभी दुत्कारते भी हैं, कल भैया ने खूब डांट भी मारी, इसलिए मारी क्योंकि भैया संत के सिद्धांत को जीना संत की सबसे बड़ी सेवा होती है, संत को सबसे प्रिय है। मलुकपीठ सरकार कह रहे थे संतों को सबसे प्रिय उनका सिद्धांत होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय कोई वस्तु होती है तो उनका सिद्धांत होता है, अगर हम उनके सिद्धांत को जी गए तो उनकी सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। तो कहाँ से शुरू करा था काका, मैंने कहाँ चला गया मैं, नहीं नहीं मिश्र जी पे भी नहीं थे, अंतर्निष्ठ भक्त। तो महाराज जी ने कहा कि भैया वो हा बिहारी जी निकला, कहे हमने अपने गुरुदेव को देखा है, वो रात्रि में एक दिन देखा तो हल्का सा गेट खुला हुआ था और गेट खुले में से देखा हमने कि महाराज जी का अश्रुपात हो रहा खूब, और महाराज जी हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज बार बार ऐसे रुदन कर रहे थे, आंखों से बहती अजस्त्र अश्रुओं की धारा। अरे हमने इन संतों को निकट से देखा है, अपने गुरुदेव को निकट से देखा ऐसे रुदन करते हुए। तो ये छिपा लेते हैं महाराज संत जन अपनी स्थिति को। जो अंतर्निष्ठ राजा था वो रात्रि में हा बिहारी जू निकला, और जैसे ही निकला तो रानी ने देख सुना कि भैया इनके मुख से भगवान का नाम, कमाल हो गया। और रानी ने देखा कि अष्ट सात्विक भाव राजा के आए हुए हैं, और रानी ने जैसे ही स्पर्श किया तो रानी तो स्वयं में भक्ता थी, उनके भी स्पंदन गया शरीर के भीतर, और महाराज रानी ने फिर चुपचाप लेट गई। सुबह हुई तो राजा बिल्कुल जो नित्य कर्म था, राजा चुपचाप उठे और अपना काम पे चले गए। रात्रि को जब शाम को वापस आए तो आते देखते तो पूरी सजावट महल सजा रखा है, महल सजा रखा था। तो महाराज जी ने पूछा जाकर के कि भाई आज कुछ बात है क्या, कोई उत्सव है क्या? वैसे वो उत्सव होते ही रहते, रानी कोई ना कोई उत्सव करती रहती थी। पूछा कि आज कौन सा उत्सव है, तो उन्होंने कहा आज आपका प्राकट्य उत्सव है। तो राजा ने कहा क्या मतलब है प्राकट्य उत्सव, किस बात का, आज तो हमारी जन्म तिथि भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आज आपके मुख से हमने रात्रि में नाम सुन लिया। राजा कह रहे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मुख से नाम निकल ही नहीं सकता। तो रानी ने कहा नहीं महाराज, मैंने अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है,
आपके अष्ट सात्विक भाव थे और हा बिहारी जो कहकर आप रुदन कर रहे थे, नेत्रों से आंसू थे आपके। अब अगर हमसे कोई कह दे अंगद जी आप सो रहे थे और आपका जो तकिया है वो आंसू से गीला था, असल में तो कहो पानी गिर गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, गलती से हाथ लग गया तो। लेकिन फिर भी मन में चाह रहती है, लोग मुझे दो चार ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी। अरे भाई क्या बताऊं, रात में श्री जी इधर बैठी थी, ठाकुर जी वो दर्शन देना चाह रही थी, पर मैं अपने चिंतन में मग्न था, मैं नेत्र ही नहीं खोल रहा था, मानसी सेवा से नहीं हट सकता मैं, चाहे प्रभु आ जाए सामने। उन्होंने मेरी आंखों में उंगली भी घुमा घुमा के देखी, पर मैंने नेत्र नहीं खोले, पूरी रात प्रभु यहीं बैठे थे, प्रभु रो रहे थे। अंगद दास खड़ा हो जा बेटे, मैं दर्शन देने आया हूं। मैं कह प्रभु सोने दो, ऑफिस से लेट आया था। और उसके बाद तो फिर जब ये दो चार बात बता दी और उसके बाद पूरा पैकेट बंद करा अनुभवों का और गिरधर के मुख पे, गिरधर प्रभु तुम्हें मैं अपने किसी को बताना मत, और यही बात दो मिनट पहले काका को बताइए, यही दो काका को बताइए, और काका से पहले प्रहलाद को बता ही चुका था। और महाराज दो चार दिन बाद गिरधर प्रभु तो है भी उत्साही, एक तो वैसे मेरे माथे पे तेज आपको दिखता है सबको, ऊपर से पीछे से सूर्य लगा देंगे फोटो के पीछे, काका एडिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो पर अंतर्निष्ठ भक्त ने अपने को प्रकट नहीं होने दिया, कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे मुख से ऐसे कैसे ये सब, मैं भक्ति कहां करता हूं। तो रानी ने कहा नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी हूं और मैं सत्य कहती हूं, मैंने अपने नेत्रों से आपको देखा है, आपके मुख से भगवान का नाम निकला है। और इतनी बात सुनी राजा ने कहा कि नाम निकल गया, अरे हाँ महाराज आपके मुख से नाम निकला था, नाम निकल गया। और ऐसा कहते ही महाराज प्राण निकल गए, उसी क्षण प्राण निकल गए राजा के। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, एक ये अंतर्निष्ठ राजा हुआ, एक वो दशरथ जी हुए, दशरथ जी ने राम के वियोग में प्राण त्यागे और ये अंतर्निष्ठ राजा ने नाम के वियोग में प्राण त्यागे, कि मेरे मुख से नाम निकल गया, अब नाम निकल गया तो मैं प्राण धारण करके क्या करूंगा, जब नाम ही निकल गया फिर प्राण धारण करके क्या करेंगे। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त भी हुए हैं। महाराज जी बता रहे थे कि भक्तमाल दृष्टि देती है, कैसी दृष्टि देती है कि भैया जो तिलक लगा रहा है, जो वेशधारी है, उसको तो भक्त मानो ही मानो, और जो तिलकधारी नहीं है, कंठीधारी नहीं है, उसको अंतर्निष्ठ भक्त मानो, उसे अंतर्निष्ठ भक्त मानो। एक राजा थे ना वेशधारी के बारे में बताया था, वो शायद प्रहलाद जी को याद होगा इन्हें, कि राजा के महल में भैया संतों की बहुत सेवा करता था वो राजा, तो उन राजा के महल में जो भांड होते हैं ना वो संतों का वेश बना करके आ गए थे। अब वो भाई कोई एक्टिंग कर सकता हो कितनी देर कर सकता है, वो संतों की एक्टिंग बिल्कुल सीख के आए थे। हाँ इनके भी आए थे। तो राजा ने जैसे ही भाई देखा तो संतों का इतना बढ़िया अभिनय कर रहे थे संत होने का, कि जैसे ही और वेश इतना बढ़िया था, ऐसा लग रहा था कि अनुभव प्राप्त महात्मा है ये सब लोग, ऐसा बड़े। पर राजा स्वयं में इतना उच्च कोटि का भक्त था। अब मान लो भैया यहाँ बैठे हो और भैया मुझे कहेंगे अंगद जी चलो आज आप मुझे सत्संग सुनाओ, मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलेगी, आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा थोड़ा हरि हरि बोल, पता कर ले पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे, हरि बोल। नारायण गुरु ने त्रिवाचा ले लिया, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं,
वो जो भांड आए थे वो बन करके संत बनकर क्या, और ऐसी एक्टिंग सीख क्या है, पूरी दो चार दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी थी संत बनने की, दो चार चौपाइयाँ श्लोक वगैरह रटे और उसके बाद बढ़िया से बढ़िया एक्टिंग करके, तो पर राजा इतना उच्च कोटि भक्त था उनके सामने एक्टिंग चली ही नहीं। जैसे मैं कितना ही बड़ा अपने आप को सत्संगी समझता रहूं, लेकिन जब भैया कह देते हैं बोलने के लिए जवान नहीं निकलते, क्योंकि भैया जानते हैं भीतर की कि ये कहाँ खेल रहा है, ये सब पता रहता है गुरुदेव को। तो जो संत होते हैं महात्मा होते हैं उनके सामने जादूगरी चलती नहीं है, नकली वाली। पूज्य भैया आ गए महाराज, बोले भक्तवत्सल।